वेलकम टू ऑटो रिव्यूज एंड आज मैं आप लोगों को स्वागत करता हूँ एक नई वीडियो पर। तो आज आप लोग देख सकते हो कि आज हमारे साथ है द 2023 महिंद्रा थार RWD रियर व्हील ड्राइव। तो आज हम लोग इस कार का एक फुल रिव्यू आपको देने वाले हैं और साथ में आपको ये भी बताएंगे कि इस कार में आपको क्या क्या फीचर्स देखने को मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना समय बर्बाद किए। मेरा नाम अरुण चंद्र और आप देख रहे हो ऑटो रिव्यूज का यूट्यूब चैनल। और अगर आप लोग इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे हो और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन जरूर दबा दो हमारे सारे लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। और हमारे साथ अगर आप लोग इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर कनेक्ट होना चाहते हो तो उसका दो हैंडल्स भी आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना समय बर्बाद किए, लेट्स गो। दिस इज द 2023 महिंद्रा थार RWD। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रंट प्रोफाइल से। तो यहाँ पे जैसे ही आप लोग फ्रंट इन की तरफ देखते हो तो ये ऑलमोस्ट आपको जो रेगुलर थार आती है उसके जैसा यहाँ पे आपको पूरा सा एक लुक देखने को मिलता है। और इसके अगर आप लोग प्राइस की बात करेंगे तो ये ऑलमोस्ट आपको 9 लाख मतलब कि अंडर 10 लाख में इसका एक शोरूम प्राइस आता है। तो ऑन रोड प्राइस क्या है वो आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगा। और मैंने इस कार को जिस शोरूम से रिव्यू किया उसका डिटेल्स भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ रहा हूँ, वहाँ से जाकर आप ज़रूर चेकआउट कीजिए। तो सबसे पहले अगर मैं फ्रंट प्रोफाइल की बात करूँ तो यहाँ पे जो हेडलैम्प देखने को मिलता है दैट इज़ आपको हेलोजन हेडलैम्प एंड ये पूरा राउंड शेप में आपको देखने को मिल जाता है। ऑल्सो इस हेडलैम्प के अगर आप लोग थ्रो की बात करेंगे तो इसका थ्रो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिया गया है। एंड यहाँ पे आपको डिटेम रनिंग लाइट देखने को मिलता है, ऑल्सो यहाँ पे ही आपको इंडिकेटर्स देखने को मिलता है जो बेसिकली हेलोजन टाइप इंडिकेटर्स है। और उसके साथ अगर आप लोग सेंटर की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक महिंद्रा का बैजिंग देखने को मिलता है क्रोम डिज़ाइन में। यहाँ पे आपको हॉरिजॉन्टल स्लैट्स फ्रंट ग्रिल देखने को मिलता है जैसा आपको पहले भी देखने को मिलता था, मतलब जो 4x4 है जो थार में 4x4 थार में जो ग्रिल देखने को मिलता है तो वही सेम ग्रिल आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको थार की एक और बैजिंग देखने को मिलता है। फ्रंट बम्पर जो है वो आपको फुल्ली ब्लैक कलर में इसका फ्रंट बम्पर देखने को मिलता है। एंड उसके साथ यहाँ पे अगर आप लोग फॉग लैंप्स की बात करेंगे तो फॉग लैंप्स भी आपको हैलोजन में ही देखने को मिलेगा जो बेसिकली एक राउंड शेप में दिया गया है। ऊपर की साइड को देखेंगे तो यहाँ पे बॉनेट एरिया आपको देखने को मिलता है जहाँ पे आपको दो कैरेक्टर लाइंस देखने को मिलता है। एंड यहाँ पे आपको वाइपर देखने को मिल जाएगा। ऐसे ही आप लोग इस कार के साइड प्रोफाइल की तरफ देखेंगे तो साइड से भी आपको ऑलमोस्ट इसका जो लुक है ये आपको रेगुलर थार के जैसा ही देखने को मिल जाता है। उसके साथ यहाँ पे अगर आप लोग बात करेंगे डायमेंशंस के बारे में तो डायमेंशंस आप लोग देख सकते हो मेरे स्क्रीन के ऊपर। तो चलिए देख लेते हैं साइड प्रोफाइल में आपको एलिमेंट्स क्या क्या देखने को मिलता है। सबसे पहले यहाँ पे आपको फेंडर्स देखने को मिलता है, फेंडर्स में आपको इंडिकेटर्स माउंटेड देखने को मिल जाएगा। उसके बाद जैसे ही आप लोग टायर्स की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे आपको सबसे पहले MRI Wanderer के टायर देखने को मिलता है। टायर साइज़ की बात करेंगे तो 265/55 18 इंच रेडियल टायर विद अलॉय व्हील यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। और उसके साथ यहाँ पे फ्रंट ब्रेकिंग की बात करेंगे तो ब्रेकिंग आपको फ्रंट पे डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाता है। सस्पेंशन आप लोग देख सकते हो मेरे स्क्रीन के ऊपर या टायर डिटेल्स भी आप लोग देख सकते हो मेरे स्क्रीन के ऊपर। एंड यहाँ पे जैसे ही आप लोग दूसरे एस्पेक्ट की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक थार की बैजिंग देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पे मिरर्स देखने को मिलता है, ब्लैक कलर के मिरर्स यहाँ पे देखने को मिलता है। यहाँ पे भी आपको एक थार की बैजिंग देखने को मिल जाएगा। और उसके बाद जैसे ही आप लोग डोर हैंडल्स की तरफ देखते हो तो डोर हैंडल्स भी आपको ब्लैक कलर में देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि इसको जो मतलब कि आपको रेगुलर की देखने को मिलता है, यहाँ पर आपको कोई भी रिक्वेस्ट सेंसर देखने को नहीं मिलेगा। ऊपर की साइड को देखेंगे तो ये पार्ट पूरा आपको ब्लैक में देखने को मिलता है, ये हार्ट टॉप वेरिएंट है। एंड थोड़ा सा नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक और एक फेंडर देखने को मिलता है और उसके साथ ये आपका रियर व्हील। एंड रियर व्हील की बात करेंगे तो रियर पे भी इसको MRI Wanderer के टायर देखने को मिलता है। रियर टायर साइज़ की बात करेंगे तो यहाँ पे ऑल्सो आपको 255/65 18 इंच रेडियल टायर विद अलॉय व्हील यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। रियर पे इसको ड्रम ब्रेक्स ऑफर किया गया है एंड दैट्स ऑल। और जैसे ही उसके बाद आप लोग रियर प्रोफाइल की तरफ देखते हो तो रियर प्रोफाइल से भी इस गाड़ी को एक काफ़ी अच्छा सा लुक यहाँ पे देखने को मिलता है फॉर श्योर। जैसे ही आप लोग रियर प्रोफाइल के एलिमेंट्स की बात करेंगे तो ये आपका स्पेयर टायर, ये भी ऑल्सो आपको MRI Wanderer के टायर देखने को मिल जाता है। एंड रियर टायर साइज़ की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको फुल साइज़
स्पेयर व्हील देखने को मिलता है, मतलब कि रियर स्पेयर व्हील जो है वो आपको फुल साइज में देखने को मिलता है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि दैट इज़ ऑल्सो 255/65 18 इंच। एंड जैसे ही आप लोग टेल लैम्प्स की तरफ देखेंगे तो टेल लैम्प्स जो है वो आपको LED में देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको ऑल्सो थार की बैजिंग देखने को मिलता है, यहाँ पे आपको रियर टर्न इंडिकेटर देखने को भी मिल जाता है। और उसके बाद यहाँ पे इसका रियर डोर हैंडल थोड़ा सा अंडरनीथ की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर देखने को मिलता है। एंड ये इसका रियर पार्किंग सेंसर्स। ऊपर की साइड को देखेंगे तो यहाँ पर आपको डिफॉगर देखने को मिल जाता है। देख लेते हैं इस कार का बूट स्पेस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये गेट खोलना पड़ेगा पुराने थार की तरह, एंड फिर आपको ये पार्ट खोलना पड़ेगा। तो अगर आप लोग बूट स्पेस की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट सेम बूट स्पेस देखने को मिलता है जैसा आपको पहले देखने को मिलता था। यहाँ पे आपको बूट स्पेस में थोड़ी कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ेगी, लेकिन अगर आप नंबर ऑफ पर्सन कम हो, मतलब कि आप एक जन या दो जने हो, तो आप इसका रियर सीट को रिक्लाइन कर सकते हो, रियर सीट को रिक्लाइन कर सकते हो और इसका बूट स्पेस बढ़ा सकते हो। तो एक और हाई माउंट स्टॉप लैम्प देखने को मिल जाता है। तो चलिए अब बूट स्पेस को बंद करते हैं एंड अब मैं जाता हूँ इस कार के इंटीरियर पर, दिखाता हूँ कि इंटीरियर में आपको क्या क्या देखने को मिलता है। लेट्स गो। सो आप लोग देख सकते हो कि ये इसका डोर है। एंड अगर आप लोग डोर की बात करेंगे तो इसका जो डोर है यहाँ पे आपको ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको एक थार की बैजिंग देखने को मिलता है, आप लोग देख सकते हो। एंड उसके साथ जैसे ही आप लोग थोड़ा सा नीचे की साइड को देखेंगे तो यहाँ पे आपको कप पॉइंट्स के लिए जगह दिया गया है। यहाँ पे आपको वार्ड व्हील्स के कंट्रोल देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको जो इनसाइड डोर हैंडल है वो आपको ब्लैक कलर में यहाँ पे देखने को मिल जाता है। एंड यहाँ पे ऑल्सो आपको बॉटल होल्डर्स देखने को मिल जाएगा। ऑल्सो अगर आप लोग सीट्स की बात करेंगे तो सीट्स जो है वो आपको ब्लैक कलर में देखने को मिल जाता है। उसके साथ हेडरेस्ट की बात करेंगे तो एडजस्टेबल हेडरेस्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जिसे आप अपने कंफर्ट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। एंड इस सीट्स के अगर आप लोग कंफर्ट की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको फैब्रिक दिया गया है, मतलब कि सीट्स अपहोल्स्ट्री आपको फैब्रिक में देखने को मिलता है। एंड ये सीट्स काफ़ी ज़्यादा कम्फर्टेबल भी है। एडजस्टमेंट की बात करते हो तो यहाँ पर आपको जो फ्रंट जो दो सीट्स है ड्राइवर एंड को ड्राइवर यहाँ दोनों पर ही आपको मैनुअल एडजस्टमेंट देखने को मिल जाता है। उसके बाद जैसे ही आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो ये इसका की है, आप लोग देख सकते हो कि इसको नॉर्मल एक की देखने को मिलता है, जिसे आप यहाँ पे इग्निशन दोगे तो कार चालू होगा। और यहाँ पे आपको और कुछ कंट्रोल देखने को मिलता है, जैसे कि हेडलाइट लेवलर दिया गया है, ऑटो स्टार्ट स्टॉप का फंक्शन दिया गया है। यहाँ पे आपको दूसरे और भी कंट्रोल्स देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको एक एसी वेंट देखने को मिलता है जो राउंड शेप में दिया गया है। यहाँ पे आपको ग्लॉस ब्लैक फिनिश भी देखने को मिल जाएगा। एंड चलिए अब चलते हैं कार के अंदर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप लोग इस कार के स्टीयरिंग व्हील की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक ब्लैक कलर में ये स्टीयरिंग व्हील देखने को मिल जाता है, जिसके सेंटर पे आपको एक न्यू डिज़ाइन महिंद्रा लोगो देखने को मिलेगा। एंड उसके साथ अगर आप लोग स्टीयरिंग व्हील के मतलब कंट्रोल्स की बात करेंगे तो लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड पर इसका कंट्रोल देखने को मिलता है। लेफ्ट साइड पर आपको ऑडियो कंट्रोल्स एंड फ़ोन कंट्रोल्स देखने को मिलता है। एंड यहाँ पे बेसिकली आप वॉल्यूम को अप एंड डाउन कर सकते हो, ये आपका म्यूट का बटन। एंड राइट साइड कंट्रोल की बात करेंगे तो राइट साइड पे आपको क्रूज़ कंट्रोल देखने को मिल जाता है। उसके बाद जैसे ही आप लोग स्टीयरिंग व्हील के एडजस्टमेंट की बात करेंगे तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि इसको सिर्फ टिल्ट एडजस्टमेंट दिया गया है। यहाँ पे आपको टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट देखने को नहीं मिलता, मतलब कि आप लोग स्टीयरिंग व्हील को सिर्फ हाइट के लिए एडजस्ट कर सकते हो। उसके बाद जैसे ही आप लोग थोड़ा सा आगे की साइड को देखेंगे तो यहाँ पे जो है यहाँ पे आपको वाइपर के कंट्रोल देखने को मिलता है, यहाँ पर आपको लाइट्स के कंट्रोल देखने को मिल जाता है। तो उसके बाद आता है इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। आप लोग जब इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर आपको सेम रेगुलर थार जैसा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलता है। ये आपका टैकोमीटर, ये आपका स्पीडोमीटर जो एनालॉग फॉर्मेट पर देखने को मिलेगा। एंड बीच में जो आपको MID स्क्रीन मिलता है यहाँ पे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देखने को मिलता है, जैसे कि ट्रिप मीटर, ओडोमीटर, डिस्टेंस टू MT और बहुत सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और उसके साथ ये आपका डिजिटल क्लॉक का ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद जैसे ही आप लोग इस कार के टचस्क्रीन सिस्टम की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑलमोस्ट 7 इंच का टचस्क्रीन सिस्टम देखने को मिलता है, जहाँ पे आपको सपोर्ट करेगा एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, रेडियो, ब्लूटूथ, नेविगेशन एंड दूसरा बहुत सारे ऑप्शन। जैसे कि आप लोग सेटिंग पे जाते हो, सेटिंग पे जैसे ही आप लोग जाएंगे तो यहाँ पे आपको साउंड, डिस्प्ले, कनेक्टिविटी सिस्टम, इकोसेंस, एडवेंचर कनेक्ट जैसा फीचर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। एंड इसके अगर आप लोग टच रिस्पॉन्स की बात करेंगे तो टच रिस्पॉन्स इसका काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिया गया है इसमें। और उसके साथ जैसे ही आप लोग थोड़ा सा अंडरनीथ की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ टच स्क्रीन रिलेटेड कंट्रोल देखने को मिलते, जैसे कि ये आपका होम बटन एंड ये आपका रेडियो, ये आपका फ़ोन एंड दूसरा बहुत सारा कंट्रोल यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद जैसे ही आप लोग थोड़ा सा अंडरनीथ की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे आपको दो AC वेंट्स देखने को मिलता है। AC की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको एक सिंगल जोन
क्लाइमेट कंट्रोल देखने को मिलेगा, जहाँ पे ये आपका जो है ये आपका ब्लोअर स्पीड को एडजस्ट करने के लिए एंड ये आपका टेम्परेचर स्पीड को एडजस्ट करने के लिए। दूसरा यहाँ पे एसी रिलेटेड कुछ इंडिकेशन यहाँ पे आपको देखने को मिलता है और कुछ कंट्रोल देखने को मिले, जैसे कि हैजल लाइट का कंट्रोल, या आपका सीट बेल्ट रिमाइंडर, या आपका ट्रैक्शन कंट्रोल एंड दूसरे बहुत सारे और भी कंट्रोल्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। एंड उसके साथ ये आपका गियरबॉक्स, इसको 6-speed मैनुअल ट्रांसमिशन का गियरबॉक्स देखने को मिलता है। एंड गियरबॉक्स के थोड़ा सा जैसे ही आप लोग आगे की साइड को देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक 12V का चार्जिंग सॉकेट, एक USB सॉकेट देखने को मिलता है एंड एक ऑक्सिलरी के लिए एक पोर्ट दिया गया है। उसके बाद जैसे ही आप लोग इस कार के डैशबोर्ड की तरफ देखेंगे तो इसके अगर आप लोग टच एंड फील मटेरियल की बात करेंगे तो वो सेम ही दिया गया है जैसा आपको पहले देखने को मिलता था। एंड साथ में जैसे ही आप लोग इस कार के ग्लव बॉक्स की तरफ देखेंगे तो ग्लव बॉक्स यहाँ पे आपको लॉकेबल ग्लव बॉक्स देखने को मिलता है। ग्लव बॉक्स के स्पेस की बात करेंगे तो यहाँ पे जो स्पेस है ये आपको एक एवरेज स्पेस यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, लेकिन आपका ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आराम से फिट हो जाएगा विदाउट एनी प्रॉब्लम। उसके बाद जैसे ही आप लोग इस कार के ऊपर की साइड को देखेंगे तो यहाँ पे आपको सन वाइजर देखने को मिलता है। पैसेंजर साइड सन वाइजर की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको सन वाइजर विद मिरर देखने को मिलता है। ड्राइवर साइड सन वाइजर की अगर आप लोग बात करेंगे तो यहाँ पे आपको सिर्फ टिकट होल्डर देखने को मिल जाता है। उसके बाद जैसे ही आप लोग यहाँ पे मिरर्स की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक इनसाइड रियर व्यू मिरर देखने को मिलता है। एंड ये जो आप लोग देख रहे हो ये आपका कैबिन लैंप, जो बेसिकली एक LED लाइट में देखने को मिल जाता है। तो ये इसका पूरा फ्रंट हो गया। एंड जैसे आप लोग थोड़ा सा और नीचे की साइड को देखते हो तो यहाँ पे आपको पावर विंडोज का कंट्रोल देखने को मिलता है, आप लोग देख सकते हो। एंड थोड़ा सा पीछे आपको ग्लास होल्डर देखने को मिलता है, ट्विन कप होल्डर देखने को मिलता है। अगर आप लोग इस कार को लेकर कहीं भी लॉन्ग ट्रिप से जाते हो तो आप अपने साथ ईजिली कॉफ़ी, जूस या फिर ड्रिंक्स कैरी कर सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम। अब चलते हैं इस कार के रियर सीट पर और देखते हैं कि रियर पैसेंजर्स के लिए कितनी ज़्यादा स्पेस ऑफर करती है ये कार। लेट्स गो। सो गाइस, अब मैं चलूँगा इस कार के रियर सीट पर। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि इसके रियर सीट पे जाने के लिए आपको उतना ज़्यादा कसरत नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज़ जो एंट्री है काफ़ी ज़्यादा, मतलब आपको इजी एंट्री यहाँ पे देखने को मिलता है। तो अब मैं आ गया इस कार के रियर सीट पे, और रियर सीट पे अगर आप लोग सबसे पहले नी रूम की बात करेंगे तो नी रूम जो है वो आपको सफिशियंट नी रूम देखने को मिलता है। आई एम ऑलमोस्ट 5'10" और फ्रंट सीट मेरे ही हाइट के हिसाब से एडजस्टेड है और मुझे कोई भी तकलीफ नहीं हो रही। यहाँ पे अगर मैं बात करूँगा यहाँ पे थाई सपोर्ट की, तो थाई सपोर्ट भी यहाँ पे अच्छा दिया गया, थोड़ी और बेहतर हो सकती थी। एंड उसके बाद जैसे ही मैं यहाँ पे हेडरूम की तरफ दिखाता हूँ तो हेडरूम जो है हेडरूम भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा हेडरूम यहाँ पे देखने को मिल जाता है। सो यही था इस कार के रियर सीट के बारे में जो मैंने आपको बताया। अब चलते हैं इस कार के बाहर। अब मैं आ गया हूँ इस गाड़ी के बाहर, और अगर आप लोग इस गाड़ी के इंजन एंड स्पेसिफिकेशन की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट 1.5 लीटर का एमॉक डीजल इंजन देखने को मिलेगा, जिसके अगर आप लोग पावर फिगर्स की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको 117 BHP के आसपास इसका पावर देखने को मिलेगा एंड 300 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क विद 6-speed मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ। सो गाइज, दैट्स इट फॉर नाउ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को जल्दी से एक लाइक कर देना, इस वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ इन व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड ट्विटर। एंड अगर आपको इस कार के बारे में कुछ भी जानना हो या आपके मन में कुछ भी सवाल आ रहा हो तो वो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, हम आपके सवालों का जवाब जल्द से जल्द देने की कोशिश करेंगे। और अगर आप लोग इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे हो और अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन ज़रूर दबा दो, हमारे सारे लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए। थैंक यू, टेक केयर एंड ड्राइव। से मिलते हैं कल फिर से एक नए वीडियो के साथ। आई होप टू सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।